खबर महुआ प्रखंड से है, जहां इन दिनों एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो बीते 30 अगस्त का बताया जा रहा है। बताया यह भी गया है कि लूडो खेलने को लेकर दो पक्षों में करीब दो सप्ताह पूर्व विवाद हुआ था, जिसको लेकर कहासुनी भी हो गई थी, लेकिन तब कुछ लोगों के हस्तक्षेप से दोनों पक्षों में समझौता करवा दिया गया था, लेकिन आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। इसी बात को लेकर 30 अगस्त को महुआ थाना क्षेत्र के छतवारा गांव निवासी मोहम्मद साकिर का पुत्र सिमरान जब महुआ से घर लौट रहा था, तभी घात लगाकर बैठे बदमाशों ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। हो हल्ला करने पर स्थानीय लोगों के द्वारा जख्मी को अनुमंडल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, जहाँ घायल युवक इलाजरत है। वहीं पिटाई की घटना का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। इस संबंध में घायल युवक ने महुआ थाने में लिखित शिकायत की है, जिसमें पीड़ित सिमरान ने बताया कि पवन कुमार, पंकज कुमार, मंजीत कुमार, आशुतोष कुमार, पिता अशोक राम व बिंदा राम सभी महुआ थाना क्षेत्र के छतवारा रायभान गांव के निवासी हैं, जिन्होंने लूडो खेलने के विवाद में मारपीट की है। इस संबंध में महुआ थाना के द्वारा बताया गया कि पीड़ित व्यक्ति के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। क्या हुआ था? 15 दिन पहले लूडो खेला गया था, उसमें बेईमानी हुआ था, तो हाथापाई हुआ था। वो बात को वहीं पर समझौता के कारण हो गया ठीक। 30 तारीख को आ रहा था महुआ से पैसा लेके गाड़ी खरीदना था इंस्टॉलमेंट पर। वो पैसा पुल है, वहाँ पुल पर रोक के मतलब पैसा भी छीन लिया है, मारा भी है और चैन भी छीन लिया है और अंगूठी भी था उसके बाद छीन लिया। पंकज कुमार था उसका भाई पवन कुमार है का मंजीत कुमार है। ये तीनों मारपीट किया है और कुछ थोड़ा उधर से पेठिया का उसी दिन पेठिया भी था। उधर से मेरी चचेरी फूफू आ रही थी, बचाने गया तो आशुतोष कुमार उसको मारा है, धक्का दिया है, मारा है और उसके पापा भी उसमें शामिल थे। वीडियो कौन बना रहा था? वीडियो मतलब अनजान आदमी जो राही जा रहा था पेठिया के से वही बनाया है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग छतवारा रायवान के रहने वाले हैं।